केंद्र सरकार जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से टीवी के माध्यम से अपनी मन की बातें बोलते हैं, उसी प्रकार आज के दिन भी वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है। और अपनी आदेश होते ना, इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ, सिर्फ अपनी बातें कहनी, सुनने किसी की बातें नहीं, ना देश की भावना से, ना जनमानस की भावना से कोई लेना देना। जहां ट्रेनों में निवेश करने की सरकार बात कहती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है। और जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट रिनोवेट करती है भारत सरकार और सस्ते दामों पर बेच देती है अपने प्रियजनों, इसी प्रकार आगे भी होगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाने की बात कही गई है, साफ तौर पर दम भर लेन देन की बातें होंगी, LIC बिकने की कगार पर बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी मिलेगी। देश की सारी संपत्तियां बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी 5,000 करोड़ के लगभग की कंपनी बन गई है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मन की बात की तरह है, ना जनमानस के मन की बात सुननी है, ना उनकी मन की मन का ख्याल रखना है, उनकी भावना का ख्याल रखना है, ना किसी भी तरीके का देश की भावनाओं का सम्मान। तो कुल मिलाकर स्टेट्स का एलोकेशन बढ़ाया, एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया, जो अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आर्थिक सहायता के रूप में मिलता रहा है, वो अब कर्ज देंगे राज्य सरकारों, 50 साल तक अब ऋण के तले राज्य सरकारों को बोझ के तले दबाया जाएगा, जो देश में वित्तीय संघीय ढांचा का व्यवस्था रहा है वो अब बहुत जल्द समाप्त। सर, GST का कलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ और स्टेट जो है तो शेयर क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का GST का क्या हाल है, जरा पता कर दीजिए।